हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवेंथ के चैप्टर 10 कंस्ट्रक्शंस की एक्सरसाइज 10.5। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल PQR। अभी राइट एंगल ट्राइंगल बोला है उसने, इसका मतलब 90 डिग्री वाले एंगल वाले हमें ट्राइंगल बनानी है। इसे हमें रफ स्केच भी वैसे ही बना लेंगे। तो इसमें हमें क्या बनाना है, पी क्यू आर, वेयर एंगल क्यू 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमने क्यू यहाँ पे लिखना है। तो पी क्यू आप बाकी आप कहीं पे भी एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पे हम पी लिख लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। ठीक है, अभी हमें ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, क्यू आर मतलब ये साइड हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड पी आर मतलब ये वाली साइड हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टूडेंट्स, रफ स्केच रेडी है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें क्यू आर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से देखिए 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसे नाम क्या दे देंगे, क्यू आर। कितने है ये, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल क्यू हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट लगा लिया और ये बन गया हमारा यहाँ से 90 डिग्री का एंगल। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये साइड 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है। देखिए यहाँ पे 10 है, तो इसके पिन पॉइंट को यहाँ पे रखिए, होल्ड कीजिए और इसको एक्सटेंड कर दीजिए यहाँ तक, बन गया पूरा 10 सेंटीमीटर। और हमें देखिए अभी ये आर पी आर दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो हम आर्क जो है वो आर पॉइंट से लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसे कंपास रखिए आर पॉइंट पे और ऐसे आर्क लगेगी। ठीक है, आर पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कंपास रखी और फिर कंपास को ऐसे घुमाया और ये आर्क लग गई। ठीक है, पॉइंट मिल गया हमें, जिस पॉइंट पे वो कट कर रहे हैं अभी क्या करना है, उसे कट करना है, वहाँ से ज्वाइन करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी कट करके यहाँ पे हम इसे क्या नाम दे देंगे, पी। ठीक है, अभी क्या करना है, पी पॉइंट को जो ये आर पॉइंट था हमारा उसके साथ ज्वाइन कर देना है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो देखिए हमारी ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो रेडी हो चुकी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स अभी लिखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें ये लिखना है कि हमने ये ट्रायंगल कैसे बनाई है। तो सबसे पहले हमने रफ स्केच बनाया था, तो ड्रॉ अ रफ स्केच, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया था, एंगल ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ अ एंगल ऑफ, ड्रॉ अ एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम क्यू, क्यू से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एंड एन आर्क ऑफ, आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम आर, और आर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट क्या है, सॉरी फोर्थ पॉइंट अभी नहीं, पहले यहाँ पे लिखना है विच कट्स, विच कट्स एट पॉइंट पी, जो कहाँ पे, पी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ओके, तो इसके साथ ही हमारी ट्राइंगल जो है वो रेडी हो गई थी, तो हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज रेडी। इसके साथ ही हमारी ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो रेडी हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर वन तो हो गया कम्प्लीट, चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर टू क्या है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, रफ स्केच फिर से वैसे ही बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, जहाँ पे क्या है, हुज हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है, जो स्लेंटिंग साइड होती है, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये लाइन 90 डिग्री की होगी एंड वन ऑफ द लेग इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक लेग जो है वो 4 सेंटीमीटर का, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। नाम अपनी तरफ से इसे दे लेते हैं हम ए बी एंड सी। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ होगी। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की यहाँ से हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ से आएगी, ये बन गई 4 सेंटीमीटर की लाइन।
नाम क्या देंगे इसे हम, ए बी कितना है वो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का, बिल्कुल ईजी है, आता है हमें। यहाँ पे रखेंगे कंपास, यहाँ से ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर कंपास खोलें, यहाँ पे रखिए इसको, होल्ड कीजिए और यहाँ से, ठीक है 6 सेंटीमीटर खुल गई। तो यहाँ पे रखते हैं बी पॉइंट पे और ये लगा दी हमने आर्क, कट कर गई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को अभी ज्वाइन कर दीजिए इसके साथ, बी के साथ, हो गया। तो ये हो गई हमारी ट्राइंगल ए बी सी रेडी, जिसमें ये 4 सेंटीमीटर था और ये 6 सेंटीमीटर है। ईजी था बिल्कुल। चलिए अभी लिखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या है इसमें फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ रफ स्केच, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC is equal to 6 cm and angle A is equal to 90 degree। हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या, हमने क्या किया था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट AB is equal to 4 cm, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, हमने एंगल ड्रॉ किया था 90 डिग्री का। तो ड्रॉ आ एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ए एंड, ए कैपिटल डाल लीजिए, एंड एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी विच कट्स एट पॉइंट सी। तो इसके साथ ही हमारी जो ट्राइंगल है वो रेडी हो जाती है। तो लास्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी। इसके साथ ही हमारी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, रेडी हो गई। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। हमें क्या बनानी है, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, मतलब राइट एंगल बनानी है तो ऐसे ही बनेगी। वेयर ए सी भी हमें 90 डिग्री, मतलब एंगल सी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद ए सी हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बनानी है, मतलब दो साइड सेम होगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, ठीक है। ये बेस और परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस बड़ा होता है, इसका मतलब ये है कि अगर ये 6 सेंटीमीटर तो इसकी दूसरी साइड कौन सी 6 सेंटीमीटर होगी, ये वाली, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी ट्राइंगल को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम 6 सेंटीमीटर की। ये बन गई हमारी लाइन 6 सेंटीमीटर की, क्या नाम दे देंगे इसे हम, सी ए, जो कि क्या है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है पॉइंट सी से, ये रहा पॉइंट सी, और यहाँ से हम बनाएंगे एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पे आएगा, ज्वाइन कर दीजिए, ये बन गया एंगल हमारा 90 डिग्री का। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हमें आर्क लगानी है जो कि क्या होगी 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की हम यहाँ से कंपास खोलते हैं, देखिए यहाँ पे रखेंगे इसको, 6 सेंटीमीटर की खुली है ये, तो यहाँ से सी से हम यहाँ पे आर्क लगा देंगे। तो हमें क्या है, इस लाइन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि कम है ये। तो यहाँ से इस लाइन को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक कि वहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे जहाँ पे ये कट करें। तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट बी था, तो ये भी पॉइंट क्या बन गया, बी। और लास्ट में क्या करेंगे, इन्हें ज्वाइन कर देंगे बी को ए के साथ, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर है। देखिए हमारी ट्राइंगल जो है वो रेडी हो गई। चलिए स्टूडेंट्स अभी लिखते हैं इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे लिखने हैं हमें, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे क्या होंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखेंगे हम जो हमने किया था, रफ स्केच ड्रॉ किया था। चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले क्या किया था, रफ स्केच ड्रॉ। तो ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए सी
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद क्या किया था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। तो ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। तो ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम सी एंड एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम सी विच कट्स एट पॉइंट बी। किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पॉइंट बी पे। उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था ज्वाइन ए बी, और इसके साथ ही हमारी जो ट्राइंगल है वो रेडी हो गई थी। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट होती है और आपका कंप्लीट चैप्टर 10 हो जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।